Hi and welcome to Student Cafe. This is Aashi Khan. ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके माइंड में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं अगर वो नॉन कन्वेंशनल स्पेशलाइजेशंस को चूज करते हैं. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, व्हाट इज नॉन कन्वेंशनल स्पेशलाइजेशन? एक तो है, एक तरफ है कन्वेंशनल स्पेशलाइजेशन जिसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन ये सारी स्पेशलाइजेशन आती हैं, और दूसरी तरफ है नॉन कन्वेंशनल स्पेशलाइजेशन जिनमें सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, रूरल मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस, या फिर अगर हम बात करें बिजनेस एनालिटिक्स भी आप एक तरह से कह सकते हैं बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर नहीं करते, या फिर इंटरनेशनल बिजनेस की ले लें. इंटरनेशनल बिजनेस को वैसे आप नॉन कन्वेंशनल नहीं कह सकते, बट फिर भी हम इसको रखते हैं और हम इन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं. और इसमें अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर भी आता है, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आती हैं जो थोड़ा सा कम स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं, एंड उनके दिमाग में इन स्पेशलाइजेशन को लेते टाइम बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा होता है. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो होता है कि यार अगर हम आईएम्स की बात करें तो अगर हम वहां चले जाते हैं तो हो सकता है हमें इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज मिले, बट जितने स्टूडेंट्स, जितने एस्पिरेंट्स हैं उन सभी का आईएम्स में या टॉप बी स्कूल्स में जाना पॉसिबल नहीं है. चलो आईएम्स को हटा दे, अदर टॉप प्राइवेट बी स्कूल्स को ले लें तो ये भी श्योर नहीं है कि क्या वो कॉलेज उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए नोन है, क्या वहां पे स्पेशलाइजेशन प्लेसमेंट्स उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के आते हैं या नहीं आते. तो उन सभी मिथ्स को क्लियर करने वाली हूँ मैं इस वीडियो के अंदर. सबसे पहला मिथ है जो स्टूडेंट्स के अंदर आता है कि यार अगर आप मार्केटिंग फाइनेंस ले लेते हैं तो ऑब्वियसली, अगेन आई अनडाउटेडली सेइंग कि दीज आर एवरग्रीन स्पेशलाइजेशन जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली है, बिकॉज हर कंपनी ने प्रोडक्ट बना रखा है, उनको बेचना ही बेचना है. आप बोलोगे कि मैं MBA और PGDM बेचने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बट समहाउ कुछ ना कुछ पार्ट उसमें रहता है भले आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी काम कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, यू नो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई वांट टू से, कि हो सकता है कि आपने जब मार्केटिंग से आईएम्स या एवरेज कॉलेज से PGDM किया तो आपको 22 लाख या 6 लाख या 7 लाख का प्लेसमेंट मिलता है, वही आप दूसरी तरफ रूरल मैनेजमेंट या हेल्थ केयर में या लॉजिस्टिक में एंड सप्लाई चेन से अपना MBA PGDM करते हो तो इनिशियली थोड़ा डाउनफॉल हो सकता है व्हेन इट कम्स टू द एवरेज प्लेसमेंट. बट अगर आप 2-3 साल बाद सैलरी का हाइक देखोगे या फिर पोजिशन का हाइक देखोगे तो आप उसको जो है नहीं कम्पीट कर सकते हो. तो आपके पास इन जो नॉन कन्वेंशनल सेक्टर्स हैं इसमें अपॉर्चुनिटीज आती हैं वंस यू गेट एक्सपीरियंस. लेट्स से 5 years डाउन द लाइन, यू नो 10 years आप देखते हो तो आप एक अच्छे पोजिशन, एक अच्छे लेवल पे बैठे रहते हो एंड वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है. बट अगेन डिपेंड करता है कि आपके अंदर पेशेंस लेवल कितना है कितना नहीं है, बट कुछ कॉलेजेस इसके लिए अच्छे भी हैं, उनके पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं. तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि ऑब्वियसली उतना जितना इनिशियल सैलरी पैकेज उन स्पेशलाइजेशन में मिलता है उतना इनमें नहीं मिलता है. तो आपको ये समझना है कि ये जो सारी यू नो स्पेशलाइजेशन है इसमें इनिशियली उतना हाइक नहीं मिलता है, बट अगर आप 10 साल बाद फाइनेंस के स्टूडेंट को कंपेयर करोगे, अपने आप को कंपेयर करोगे, आप ट्रस्ट नहीं ऑन दिस, आप उससे आगे होंगे. देन सेकेंड चीज़ कि कॉलेजेस बहुत सारे नहीं हैं, कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं हमें तो पता ही नहीं है, और ये भी पता नहीं है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी हैं बहुत सारे कोर्सेज करा रही हैं तो वो उस कोर्स के लिए जानी जाती हैं नहीं जानी जाती हैं. तो आपको ये भी थॉट एक दिमाग में रखना है कि हमारे साथ क्या है, हमारी बींग एन इंडियन एक मेंटालिटी सेट हो गई है कि यार मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो कॉलेज ने 100% का ठेका ले रखा है मेरा प्लेसमेंट कराने का. मैं अभी रिसेंटली लिंक्डइन पे एक पोस्ट देख रही थी, एक स्टूडेंट है जिसने अपना IIT गाजियाबाद से पोस्ट PG कंप्लीट किया है मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में. ही गॉट प्लेस इन ओयो, यू नो इसके अलावा भी इन्फोसिस में 2.5 साल का एक्सपीरियंस है उस बंदे को, बट अभी जो क्राइसिस आया उसमें यू नो ओयो ने फायरिंग की और उनकी भी जॉब चली गई, एंड ही पोस्टेड हिज रिज्यूमे ऑन लिंक्डइन कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. सो वो कॉलेज ने तो उसको प्लेस कर दिया, बट यू नेवर नो सिचुएशन 2 साल बाद, डाउन द लाइन 3 साल बाद क्या रहने वाली है, या इवन 1 साल बाद क्या रहने वाली है. तो इन स्पेशलाइजेशन में हो सकता है कॉलेज में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं हो, आपको अपने लेवल पे भी देखना पड़े, बट ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज होंगी ही नहीं, राइट? आप अपने लेवल पे भी ट्राई कर सकते हो, एंड अगर आप अपने आप को 10 साल में देखते हो तो यू विल बी गेटिंग एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. यस, सो यू नीड टू कीप ऑल दीज थिंग इन माइंड बिफोर चूजिंग दीज स्पेशलाइजेशन, एंड डू नॉट डिमोटिवेट योर सेल्फ कि यार इसमें तो इतना प्लेसमेंट है नहीं तो मैं नहीं लूँ. मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ, आप मेरे वीडियोज़ देखते होंगे, आप कई सारे लाइव सेशंस भी आपने देखे होंगे, मैं कभी 9 बजे लाइव आ रही हूँ, कभी 10 बजे लाइव आ रही हूँ. व्हाइल पर्सूइंग इंजीनियरिंग आई रियलाइज दैट यू नो आई कैन नॉट बी अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट बिकॉज आई कैन नॉट डू कोडिंग ऑल द टाइम.
अगर हम 10 घंटे की बात करें, 12 घंटे की बात करें, बट मैं अगर अपनी स्किल्स की बात करूं, अपने फोटो की बात करूं, तो आई लाइक कम्युनिकेटिंग विद पीपल, आई लाइक इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, एंड दैट इज द रीजन कि अगर मैं 10 बजे भी लाइव आ रही हूं, इवन 11 बजे भी लाइव आ रही हूं, फाइटिंग विद माय फैमिली एंड एवरीबॉडी, बिकॉज मैं इसमें अच्छी भी हूं एंड मुझे इसमें इंटरेस्ट भी है, एंड दैट इज द रीजन विद टाइम आई गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विद इन द फील्ड. आप जिस दिन ये चीज को समझ जाओगे, यू विल बी हैविंग एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज. जहाँ स्टूडेंट्स भागते हैं कि हमें अब्रॉड से अपना MBA करना है, वहाँ पर तो बहुत यूनिक स्पेशलाइजेशन होती हैं, एंड उन यूनिक स्पेशलाइजेशन में कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो प्लेसमेंट एजेंसी कहलाती है. वहाँ आपको ट्रेन किया जाता है आपके स्किल सेट को, एंड उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है. तो दिस वॉट आई वॉन्ट टू ट्राई टू से, दिस वॉट आई रियली वॉन्ट टू से कन्वे टू यू ऑल, दैट अगर आप जो भी स्पेशलाइजेशन लेने का सोच रहे हो, जस्ट बिकॉज कि यार उसमें इनिशियली उतना सैलरी हाइक नहीं होगा, या फिर मुझे बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और मैं स्पेशलाइजेशन ही ड्रॉप कर दूँ, तो यार इस वजह से ना ड्रॉप करो. अगर आपका वो पैशन है, आपका स्किल्स है, आपका मन कहता है कि यार यही एक ऐसी चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि किसी ने इन्फ्लुएंस किया, इसलिए कि मैं करना चाहता हूँ, तो यार यू नीड टू टेक दैट पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन. ट्रस्ट मी, यू विल बी फाइंडिंग एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज हर चीज का एक स्कोप है, हर चीज का एक स्कोप है. आप किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, हाँ फ्लक्चुएशंस आते हैं बट स्कोप खत्म नहीं होता है. तो दिस वॉज अ वीडियो फ्रॉम माई साइड टू ऑल द स्टूडेंट्स जो बहुत डरे रहते हैं. आई थिंक इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू. इफ यस, प्लीज हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनके माइंड में सेम थॉट आता है. अगर कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, या नीचे नंबर दिया, यू कैन रीच आउट टू द काउंसलर, दे विल गाइड यू दैट हाउ यू कैन फाइंड अ राइट बी स्कूल फॉर एनी ऑफ दीज स्पेशलाइजेशन. एंड फॉर मोर सच वीडियो आई डू कम लाइव एवरी ऑल्टरनेट डे, सो फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मी टू मेक any specific video on any specific topic. I would love to make that video. Thank you so much. Stay tuned.